अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है और कुछ आप लोगों के सवाल हैं उनका मैं जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी सारे लोगों के देखे जाएँ तो सवाल इससे ही रिलेटेड आते हैं, फ्लाइट के हवाले से, तो मैं आपको वो अपडेट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर इंडिया से बात करें, पाकिस्तान से बात करें या नेपाल से, किसी भी कंट्री से बात करें, तो अभी जो है 34 कंट्रियों को अभी बैन किया हुआ है। कहीं से भी कोई भी फ्लाइट का अलाउंस या किसी भी एम्बेसी की तरफ से या कुवैत की तरफ से कोई भी ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है, तो इसलिए इसके हवाले से कोई भी अपडेट मैं आप तक नहीं पहुंचा पाता हूं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई अभी आप उसके हवाले से अपडेट दीजिए, उसके हवाले से अपडेट दीजिए, तो इसलिए मैं आपको अपडेट कोई भी नहीं कर पाता हूं, क्योंकि किसी तरीके से कोई भी अपडेट जारी नहीं किया जा रहा है फ्लाइट के हवाले से। लेकिन हाँ, जो अगर आप कुवैत से आना चाहते हैं तो कुवैत से जो है अलग अलग कंट्रियों के लिए जो है उन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है, उसके हवाले से आप जो है आपको अपडेट पहले भी दे रखी है और अभी बता देता हूँ, अगर आप किसी भी कंट्री आना चाहते हैं चाहे इंडिया आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि डेली के तौर पर तकरीबन 2500 से 3000 पैसेंजर कुवैत से आ रहे हैं, और वो लोग आ रहे हैं जो छुट्टी आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, जो इलीगल तरीके से वहाँ पे पहले से कैंपों में बंद थे या फिर जेलों में बंद थे, तो उन लोगों को जो है अभी भेजा जा रहा है। तो ये थी कुछ आपके क्वेश्चन और मेरा जवाब ये था, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियली कोई भी अलाउंस होता है या किसी भी तरह से कोई भी अपडेट आती है फ्लाइट के हवाले से तो तुरंत आपको बताया जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ इसके हवाले से आपके माइंड में कोई भी चीज़ नहीं चल रही होगी। और अगला जो क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई नया वीज़ा कब इशू किया जाएगा, तो भाई मैं आपको बता दूँ अभी नया वीज़ा का किसी भी तरह का कोई भी अपडेट नहीं है, और इसका जो अपडेट आएगा वो फ्लाइट शुरू होने के बाद ही अपडेट आएगा, क्योंकि पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो छुट्टी पे आए हुए हैं, और छुट्टी पे मैंने आपको बताया 3 स्टेज जो है वो कुवैत सरकार ने हो सकता है वो मंजूरी मिल जाए, और मंजूरी मिलने के बाद में 3 स्टेज में लोगों को बुलाया जाएगा। पहले में डॉक्टर नर्स जो है इनको बुलाया जाएगा, जो बड़े बड़े जजेस वगैरह हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, इनको बुलाया जाएगा। दूसरे स्टेज में जो बुलाया जाएगा वो जो फैमिली उनके साथ में रहती है कुवैत के अंदर, उन लोगों को बुलाया जाएगा जो फैमिली वीज़ा पे हैं और उनके साथ में फैमिली रहती है कुवैत के अंदर। और तीसरे जो स्टेज में बुलाया जाएगा वो सारे वर्करों को बुलाया जाएगा जो वहाँ पे काम करते हैं। तो इन तीनों स्टेजों को जो है अभी टाइम टेबल नहीं दिया गया है कि कितने टाइम के लिए कौन सा चलेगा या इसको अप्रूव अभी नहीं किया गया है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है वो बिना ही उसके वो शुरू कर दिया गया है, डॉक्टर वगैरह नर्सों को बुलाया जा रहा है। तो अगर इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है वीज़ा इशू के हवाले से तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा, और इनके हवाले से भी लोगों को बुलाने के हवाले से भी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा। तो ये आपके सवाल थे, तो उम्मीद करता हूँ जो आपके सवाल थे वो सारा जवाब आपको सही शुद्ध मिल गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए स्टूडियो में, अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा और वीडियो के माध्यम से आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे इस नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।